हेलो गाइस, आज एक वीडियो करेंगे हम। अगर मेरे को गिटार लेसन्स और वीडियो में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के रिक्वेस्ट आए आज तक, वो यही आए कि हम कौन सा गिटार खरीदें। बजट 3,000, 4,000, 5,000, ठीक है, 10,000 वाले लोग भी थे, 15,000 वाले भी थे। तो मैं इस टाइप से आपको ये बताता हूँ वीडियो, ठीक है। ये वाला हम करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या होना चाहिए, कितने टाइप के गिटार हैं, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है। बिगिनर के लिए अगर एकॉस्टिक गिटार लेना है या, ठीक है, वही गिटार लेना चाहिए सबसे पहले, और ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, 4,000 या 5,000, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले जो मेन जो हमें मिलेंगे, ठीक है, जो हम बिगनिंग के लिए करते हैं, ठीक है, उसमें हमें मिलता है एक एफ शेप मिलता है, ठीक है, और एक कट अवे वाला गिटार होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसको ऐसे कट लगा होता है यहाँ से, ताकि हम जैसे इसको भी है यहाँ पे, लेकिन वो ऊपर से बंद होता है इस टाइप से, जैसे मेरा गिटार है आपने देखा होगा, लेकिन वो यहाँ से भी बंद है, ठीक है। जंबो गिटार कट अवे वाला होता है, और एक वही जंबो गिटार होता है, ठीक है। सबसे पहले गाइस हमने जो ध्यान देना है वो ये देना है, सपोज आपका बजट है 3-4 हज़ार, ठीक है, आप जाते हैं और आपको नहीं पता कुछ भी, तो सबसे पहली चीज़ जो है कि ये वाला गिटार ले लेना आपने, ठीक है, एफ शेप। मैं प्रेफर ये करूँगा कि ये वाला आप नहीं लें, ठीक है। मेरा भी ये पहला गिटार था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो मेन मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों नहीं लें, क्योंकि जब हम बिगनिंग में हमारा मेन सारा ध्यान है वो कॉर्ड्स पे ही रहेगा, ठीक है। ये गिटार ठीक है लीड के लिए, क्योंकि इसमें जो एक्शन है वो काफ़ी लो है, ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्ट्रिंग दबाने में दर्द भी नहीं होती ज़्यादा। ये है, इसमें बटन बटन लगे हैं, एम्प से ये अटैच हो जाता है, ठीक है, ये टोन और वॉल्यूम वाले, तो मतलब दिखने में और ऐसे बड़ा ये अपीलिंग लगता है, लेकिन इन दी एंड कॉर्ड जो हम मारेंगे तो इसके कॉर्ड जो है वो इतने अच्छे साउंड नहीं करते, ठीक है। साल मेरे पास ये गिटार था, मैं इस पर कुछ इतना सीख नहीं पाया, क्यों, क्योंकि जब मैं देखता था या कहीं से भी सीखता था, वो ए माइनर जब अपनी मारते थे इस टाइप से, तो उनकी कुछ ज़्यादा सुरीली आवाज़ आती थी, ट्यूनर भी उनर उस टाइम इतने होते नहीं थे, ठीक है, हम खुद ही ऐसे आगे पीछे से ट्यून करते थे इसको, और ठीक है, तो इतना अच्छा ये साउंड नहीं करता था, और जब गाते थे साथ में तो बिल्कुल ही नहीं करता था। लेकिन ये है कि ये कंफर्टेबल बहुत है, बहुत ज़्यादा, एक तो ये लाइट वेट है, ऐसे मैंने रख लिया, इस टाइप से रख लिया, पूरा हाथ में आता है ये, जो इसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है। अगर आपके पास है कोई बात नहीं, ठीक है, टाइम बिताना है, आप सीखते रहो, जब आप अच्छे हो जाओगे तो आपको खुद ज़रूरत लगेगी उसकी, नेचुरल एकॉस्टिक या सेमी एकॉस्टिक की, ठीक है, क्योंकि इस पर आप नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ें, कॉर्ड्स वॉर्ड्स और ये, क्योंकि आपने देखा होगा कोई नहीं इसको रखता है कॉर्ड वाला, या कोई गिटार कवर करता होगा कोई भी, ठीक है। तो अभी आप इसी पे बजाएं, 3-4 हज़ार बजट है अगर आपका, तो ये वाला गिटार आप नहीं लें, नया नया मत लें, ठीक है, हम और भी बात करेंगे, ठीक है, जो इसकी अच्छी बातें वो मैंने आपको बता दी, लीड वीड आप इस पे ट्राई करें, अपना हाथ वाथ सारा खोलें, कॉर्ड वॉर्ड मारें, कोई नहीं, जब टाइम आएगा तो आप तब नया ले लेना, ठीक है, लेकिन ये वाला नया मत खरीदना आप अगर अपने से। देन हम बात करेंगे गाइस, ठीक है, कि कौन सा आपको लेना चाहिए अगर आपका 3-4 हज़ार बजट है, ठीक है, और 4-5 हज़ार के बीच, मतलब अगर आपका 5,000 तक बजट है तो आपको इस टाइप का गिटार लेना है, ठीक है, कट हुए कि मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे इसको कट है, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे आसानी से, इसकी फर्स्ट स्ट्रिंग अभी टूटी हुई है, ठीक है, तो ये सेकंड स्ट्रिंग है, यहाँ हम आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ हम आसानी से इसे कर सकते हैं। दिखने में ये मतलब ऐसे सिंपल गिटार लगता है, वो ज़्यादा वो लगता था, तभी मैं भी मैंने ऐसे ही खरीद लिया था कि वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, उसमें वॉल्यूम वाले टोन है, ये वाले सारे बटन है, बड़ा ऐसे दिखता वो, लेकिन इन दी एंड जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी भी काफी अच्छा साउंड कर रहा है ये, और यही है, ठीक है, ये जिम का गिटार है, कैप्स रॉक्स कैडियंस का, अमेज का, प्लूटो का, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, सबसे पहला जो आपने ध्यान देना वो ये देना है, 4 मिनिमम 4 उसकी रेटिंग हो, ठीक है, बड़े सारे जो उसके रिव्यूज हों वो 4 हों, 4.1, 4.2 कोई भी, ठीक है। कैप्स का गिटार था पहले आते थे, उनमें इनबिल्ट ट्यूनर भी होता है यहाँ पे,
ठीक है, हमें एप्स की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, उसमें ई मारी बी मारी वो यहीं पे दिखा देगा, ठीक है, ट्यूनर उसका लगा होगा, ये सेमी एकॉस्टिक का, ठीक है, इसमें एम्प वाला जैक है, यहाँ पे आप एम्पलीफायर से इसको अटैच कर सकते हैं। नया गिटार अगर आप ले रहे हैं और आपका बजट है 4-5 हज़ार, कोई भी लें, ठीक है, ये जिम का काफी अच्छा गिटार है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसका एक्शन लो है, यहाँ पे इसके नट भी है, ठीक है, इसके अंदर अगर एक्शन हाई हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक नट रहता है साउंड होल के इस साइड, ठीक है, फ्रेट बोर्ड के बिल्कुल इधर एक नट रहता है, अगर बाय चांस थोड़ी देर बाद आपकी स्ट्रिंग्स ऊपर आ जाती हैं ऐसे करके, बड़ी ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं, उस नट को हम ढीला करते हैं, नीचे चल जाती है, ये इन गिटार की अच्छी बातें हैं, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा गिटार है, अगर मेरे पास ये होता पहले तो मैं ज़्यादा जल्दी सीख जाता, ठीक है, और एक्शन भी इसका लो है, कोई दर्द नहीं होती हाथों में, कोई कुछ नहीं, सबके लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका भी ये जो चीज़ है, ये जंबो गिटार जितनी ही है, ये वाली चीज़ तो हैंडलिंग में, ठीक है, ये इतना ज़्यादा, मतलब इससे भी जो पतले वाले गिटार आते हैं, जो कैप्स वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे पतला है थोड़ा, ठीक है, अगर आप लड़की हो या 7वीं 8वीं में पढ़ते हो या उससे भी छोटे हो तो आप वो वाला देखना, ठीक है, लेकिन हो ऐसा ही, ठीक है, सेमी अकोस्टिक या अकोस्टिक, अगर एम्प वाला जैक नहीं भी है कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतनी खतरनाक और वो मतलब हमारी नीड नहीं है, हमें कोई शो नहीं करने है जाके, हमें जस्ट बिगनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद आजकल नहीं आते होंगे, महंगे भी हो गए हैं, ठीक है, पहले इन बिल्ट ट्यूनर भी होता था, जैक भी आता था 4500 तक आ जाते थे, अब शायद नहीं आते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये रही उसकी बात 4-5 हज़ार वाली, ठीक है। देन गाइस, अगर आपका बजट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका बजट 2,000 रुपये ही है, ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत टाइम लग गया था अपना गिटार खरीदने में, ठीक है, आपके पास 2,000 रुपये हैं और आपको गिटार चाहिए ही चाहिए, तो एफ शेप लेने से अच्छा है या कोई और जो OLX पे 2,200-2,500 रुपये के 2,500-2,500 रुपये के भी गिटार मिल रहे हैं विद कैपो, गिटार बैग, स्ट्रिंग्स, वो बकवास हैं, वो मत लेना। OLX पे या क्यूकर पे कोई भी सेकंड हैंड गिटार बेच रहा है, ठीक है, आप कोई सेकंड हैंड गिटार बेच रहा होगा ऐसा, तो उसकी कीमत यही होगी 2,000 रुपये या 2,200 रुपये, ठीक है, तो आप वो ले लें, देखना वुड अच्छी हो, कहीं से ब्रोक नहीं हो, वो सारी चीज़ें हों, ठीक है। स्ट्रिंग्स हमने, हमें कोई मतलब नहीं स्ट्रिंग से, ठीक है, हमने बस ये ध्यान देना आउटर बॉडी, ठीक है, जब आप उसको ऐसे बजा रहे हो तो ऐसे खप खप नहीं होना चाहिए कि अंदर कोई लकड़ी टूटी हो या कुछ हो, ठीक है, आप उसको आराम से खरीद लेना, ठीक है, 2,000 रुपये में 300 या 400 रुपये का सेट लेना स्ट्रिंग्स का अच्छा सा, ठीक है, वो डलवाना, बस गिटार आपका बन गया, ठीक है, और वो गिटार बड़ा आपका साथ देगा, हद से ज़्यादा साथ देगा, ठीक है, उसमें कोई है ही नहीं कि ये नया या पुराना है, जितनी वुड ज़्यादा पुरानी होती जाती है उतनी वो सुरीली होती जाती है, अगर आप उसको ध्यान से रखोगे, ट्यूनिंग कीज देखना उसकी कि ऐसे वो नहीं होगी ख़राब हो पीछे से, ये जो उसके गियर होते हैं ये वाले, ठीक है, इस साइड ये वाले, ये सारे मतलब हिलते विलते ना हो ताकि आप अगर वो कर रहे हो ट्यून तो वो ट्यून हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना, मैं सजेस्ट करूँगा 2,500 अगर आपका बजट है तो नया मत लो, क्योंकि वो जो नया होगा वो कोई आपको फ़ायदा नहीं देगा, और जब आप कहीं बजा रहे होंगे तो सबसे जो मतलब उसकी सबसे बेकार साउंड होगी, ठीक है, तो फिर आप कॉन्फिडेंस लो होगा इस चीज़ से, मेरा बहुत हुआ है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत खरीदना, ठीक है, और जब टाइम आएगा ना अपने आप आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप महंगे महंगे गिटार ले सकते हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज छोड़ना नहीं है आपने। देन गाइस, जो गिटार है, ठीक है, ये मेरा गिटार है, आपने देखा होगा इसी में मैंने सारे वीडियोस किए हैं, ठीक है, 8,000, ठीक है, 7,000-8,000 अगर आपका बजट है, 8,200 का ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगा यामाहा F310, इससे बेस्ट गिटार कोई नहीं है गाइस, ठीक है, अकोस्टिक नेचुरल अकोस्टिक है ये, इसमें कोई एम्प वाला जैक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई एम्पलीफायर वाला जैक नहीं है, कोई इक्वलाइजर नहीं है, कोई इनबिल्ट ट्यूनर नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल गिटार है नेचुरल अकोस्टिक, इसमें कोई वो वाली वो नहीं है रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई शो वो करने जाना अगर आपने तो आपको यहाँ पे माइक चाहिए इसके लिए अलग से साउंड होल के लिए, वो वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आपने देखी होगी बड़े सारे लोग जिनके गिटार लेसन्स के चैनल है, ठीक है, अकोस्टिक सिंग, अकोस्टिक पहाड़ी, बड़े सारे लोग और भी बड़े बड़े लोग जो भी अभी अच्छे हैं सारे जो चल रहे हैं मार्केट में, सब ने ये गिटार रखा है सब ने, तो सागर राय सर इसको यामाहा का वो अलग गिटार बोलते हैं ऐसे ब्रांड एम्बेसडर टाइप, क्योंकि सब ने ये रखा हुआ, ठीक है,
उन्होंने भी यामा आगे ही रखा हुआ है, लेकिन वो अलग वर्जन है, बड़ा वाला वर्जन है वो महंगा थोड़ा। लेकिन ये बड़े और भी बड़े सारे लोग मेरे को उनके मतलब ट्यूटोरियल्स देखता हूँ मैं, उनके वीडियोस देखे, मैंने नाम नहीं याद है, बड़े लोगों ने गिटार रखा हुआ, लड़कियों ने, लड़कों ने, हर किसी ने। तो अगर आपका बजट है वो इसीलिए रखा क्योंकि इसमें कुछ बात है, दो इसमें लिमिटेशन है, देखो इसमें जैक नहीं है, इसमें वो नहीं है, जो इसका एक्शन है ठीक है वो भी काफी अच्छा है, साउंड इसकी बड़ी अच्छी है, एक तो वो भारी है एट द सेम टाइम वो सुरीली भी है, इसमें वो वाला नट है ठीक है, वही वाला, अगर एक्शन हाई हो जाए इसको हम लो कर सकते हैं, ट्यूनिंग की इसके ठीक है, ये वाली जो इसकी ठीक है, हमारी पकड़ने वाली जो फ्रेट बोर्ड है पतली पतली है और हमारे हाथ में आ जाती है, ये सारी चीजें जो हमने ध्यान रखनी है। नहीं आपका बजट ठीक है, इनकेस अगर आप बीच में है कहीं पे ना, आप कैब्स वाला ले सकते हैं, मतलब आपका 5,000 बजट भी है और आपको नहीं कुछ मिल रहा है, देन आप कॉर्ड का गिटार ले सकते हैं ठीक है, बड़े सारे गिटार हैं उनमें इनबिल्ट ट्यूनर भी है ठीक है, कॉर्ड का, कैडियंस का, लेकिन रिव्यूज आप हमेशा देख के लेना ठीक है। तो 6-7 हज़ार रुपया, 7,000 है क्योंकि एंड में 1-1,000 करना भी मुश्किल हो जाता है, मुझे पता किसी को 6,000 ही होंगे तो वो 8,000 नहीं कर पाएगा। तो कॉर्ड का गिटार ठीक है बजाओ.com से, उनके पास बड़े सारे गिटार हैं, बड़ी वैरायटीज है, इतनी ऑनलाइन नहीं मिलती कहीं पे भी, तो आप देखना कॉर्ड का, केडियंस का, उनमें इनबिल्ट ट्यूनर भी होगा, बड़ी चीजें होंगी ठीक है। और वो वाली टेंशन नहीं लेना कि ऑनलाइन मंगवाना या वो ठीक है, वो ठीक ही आता सब कुछ, उसमें कोई इतनी वो बात नहीं होती। तो बस गाइज यही वाली सारी बातें हैं ठीक है, और भी बड़े गिटार हमने देखे होंगे, बेस गिटार 4 स्ट्रिंग वाला जिसको हम ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ठीक है, बेस देने के काम आता है वो, सबसे टफ गिटार होता है, कॉर्ड के हिसाब से आपको उसमें बेस देना होता है, सपोज मैं Am कॉर्ड मार रहा हूँ तो मेरे को बेस नोट भी वही वाले मारने उस दौरान ठीक है, इस टाइप से। तो ओ शेप ठीक है, 2 O शेप, 3 O शेप, बड़े सारे, और क्लासिकल यामा का गिटार है ठीक है, 6,000 वाला जो अमीन तूफानी ने बजाया, वो उनको क्लासिकल गिटार बोलते हैं स्पेनिश यहाँ ठीक है, उनकी ये चीज़ बड़ी मोटी होती है, ये वाली चीज़ छोटी होती है, इतनी लंबी नहीं होती वो, लेकिन मोटी होती है, वो फिंगर प्लकिंग के लिए बड़ा अच्छा है ठीक है, की बड़ी सुरीली आवाज होती है फिंगर प्लकिंग में। तो ये वाली सारी चीजें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितने भी आगे आप पैसे हैं या कुछ है, अभी भी आपको नहीं समझ आई, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये हैं तो आप OLX पे रहे, या 3,000 या 3,500 में जिसकी 4 या 4 से ज्यादा रेटिंग है अकोस्टिक गिटार की वो आप लें ठीक है, 4-5 हज़ार है रॉक्स कैप्स कोई भी वाला वो वाला लें, 6-6 हज़ार हैं तो इनबिल्ट ट्यूनर वाला आपको मिल जाएगा, जैक वाला आपको मिल जाएगा ठीक है वो, और अगर बाय चांस किसी के पास 8 हज़ार है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको गिटार चाहिए, मैंने इसमें 250 वीडियो किए हैं गाइस इस गिटार के साथ, 250 वीडियोस ठीक है, तो अभी भी और भी सारे इसी के साथ करने हैं मेरे को, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट गिटार है ये ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आई ठीक है, ये वीडियो ऐसे ही था मतलब नॉर्मल टाइप का, कोई इसमें भी जितने भी आपके डाउट्स थे जो आज तक मेरे को पता चले वो सारे इसमें थे ठीक है, कोई भी और भी चीज़ कोई भी चीज़ जो आपको पता करनी हो मेरे को मैसेज कर देना कहीं पे भी, यहाँ पे यूट्यूब पे या फिर उधर फेसबुक पे, तो हम बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पुराने वीडियो देखें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइस।